आपको मालूम है यहाँ कार्ड कल्चर नहीं चलता है, लोगों को न्योता देना होता है तो अपने घर के बाहर ऐसे पेंटिंग करके रखते हैं। अरे क्या गजब बात है भाई, क्या गजब है। ये देखिए, ये भी लिया है, इसे डांस कराओ। हाय हाय, ये डांसिंग स्टार लिए है, कितना प्यारा है। सुबह के 4 बज गए और हम सब देखो उतर गए जैसलमेर। आया है लड़का जोश में, हम जैसलमेर। पहली बार मैंने इसके चेहरे पे हंसी देखी है पूरे टूर में, नजर ना लगे मेरे बच्चे को। काला टिक्का मट्टी लगाओ इसके मुंह पे, काला टिक्का। और भैया रे, ठंड तो नहीं लग रही ज्यादा अभी? हाँ। थोड़ी देर में लगेगी। चलो 4 बजे पहुंच गए हम। इन्होंने लाइट भी बंद कर दी, बताओ ट्रेन की। यार हमें निकलने में ही दिया ढंग से। ये है सुबह के 4 बजे जैसलमेर, SBI ATM है यहाँ बाहर। और हम सब सुबह ही 4 बजे, देखो 4:15 बजे यहाँ मेला लगा हुआ। ये आ गए हम सुबह 4 बजे, फिलहाल 1-2 घंटे के लिए, 2-4-6 घंटे के लिए। कहाँ पर कि हम थोड़ा सा आराम कर लें, फिर हम होटल में जाएंगे। लेकिन ये भी ठीक है, आराम करने के लिए भी अच्छा लग रहा है। एक चेयर भी है लकड़ी की, बहुत बढ़िया। ये वॉशरूम देखो, आप मेरी फोटो भी देख लेंगे। लाइट भी जल रही है, देखो हीरो बने हुए हो। अरे वाह भाई वाह, टीवी भी है यहाँ तो, और क्या चाहिए। ये है चिराग हवेली है इसका नाम, चिराग हवेली। वाह जी वाह, मजा आ गया। अब ये बिस्तर कह रहा है कि बस मुझे इस्तेमाल करो, जल्दी से सो। गाइड साहब हमारे साथ रहेंगे, थोड़ा सा बताइए। नमस्कार, मेरा नाम रजत कुमार है। लास्ट 20 इयर्स आई एम इन स्ट्रांग एंड प्रोडक्ट फैमिली है। ये आ गए हम लोग जैसलमेर फोर्ट, और जैसलमेर फोर्ट के पास ही ये सारा एरिया है जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ शॉप्स हैं। काफी धूप है इस समय, और ये अपना कुछ बताना चाह रहे हैं। बहुत मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, धूप अच्छी लग रही है। मौसम ठंडा है लेकिन धूप अच्छा होने की वजह से बहुत ही बढ़िया प्यारा मजा आ रहा है। फोर्ट के बिल्कुल पास में हम सुबह 4 बजे आ गए थे, और फोर्ट के नाम पर ये कॉलोनियां है, लोग यहाँ रहते हैं। यहाँ पर बाइक रेंट के लिए मिल रही है, देखिए सभी टाइप की बाइक है और रेंट के लिए मिल रही है हमें 150। अरे वाह भाई वाह, सस्ती भी है, कोई ज्यादा महंगी भी नहीं है। रूफटॉप रेस्टोरेंट यहाँ देखा, बस मुझे थोड़ी सफाई की कमी लग रही है यहाँ। मतलब आप अगर देखेंगे तो गवर्नमेंट को रिवेन्यू इतना आता है तो थोड़ा सफाई होना चाहिए मेरे ख्याल से, तो बहुत अच्छा लगेगा। बहुत ही ज़्यादा गंदा है, जबकि इतने फॉरेन टूरिस्ट आते हैं तो फॉरनर्स को थोड़ा कम अच्छा लगेगा। ये देखिए ज्वेलरी, नाम लिख दोगे आप घराली का? नाम भी लिख दोगे और गर्लफ्रेंड का सबका नाम भी लिख रहा है जी। रेस्टोरेंट कहाँ जा रहे हैं अभी हम? ब्रेकफास्ट के लिए फिर। अच्छा, चलिए नाश्ते के
नाश्ता करने का, क्योंकि सुबह अभी इस समय 11 बज रहे हैं और भूख लग रही है हमें बहुत ज़्यादा। तो थोड़ा नाश्ता करेंगे, नाश्ते में दिखाते हैं आपको क्या है। यही फोर्ट भी आपको दिख रहा होगा। ये हो गई परचेजिंग शुरू। बताओ जी कैसा लग रहा है, बढ़िया लग रहा है या नहीं? केवल 120 का, लेकिन बताया था जोड़ा 200 का, तो मिल गया है हमें 120 में। हम इंडियन हैं, थोड़ा सा तो मोल भाव करते ही हैं। जी क्या जूता साफ करोगे? ये वाला कर दो भाई, कर दो कर दो, कराने तो हमारे तुम्हारे भी हो जाएंगे। खाली ना कर दे। नहीं नहीं आप मत कराना। नहीं नहीं मैं क्यों कराऊंगा, मेरे तो साथ है। वो दोनों पैर भैया बढ़िया चमका दोगे। अच्छा क्या नाम है भाई तुम्हारा? मुकेश अम्बानी है इसका नाम? ओहो मुकेश अम्बानी है जी। कह रहे जी ये साफ करेंगे जूता और चमका देंगे बिल्कुल बढ़िया तरीके से। गाने सुना दे यार तुम, क्या दिक्कत है? चल ठीक है ठीक है, हो गया सुन लिया। अरे कान में लग रहा है यार। ठीक है ठीक है, कर दो कर दो। इनकी परचेसिंग चालू है सबकी, या दुकान लूट कर ही मानेंगे? ये जूता साफ कर रहे हैं। आप किसके नाम का बनवा रहे हो? अच्छा हाँ जी, कुछ आया पसंद? ये देखिए मुकेश अंबानी जी ने चमका दिए जूते, बिल्कुल चमक गए, एकदम शीशे की तरह चमक रहे हैं। मैंने तो कराया नहीं, मैं तो घर से साफ करके आया था। अब ये दूसरे बालक के चमका रहे हैं। भैया जूते चमका रहे हो, ये हमने नहीं चमकवाए भैया। ये मुकेश अंबानी है रस्ते में बैठा हुआ है, बताओ। ये देखिए ये भी लिया है, इसे डांस कराओ। हाय हाय ये डांसिंग स्टार लिए है, कितना प्यारा। क्या एक यहाँ पर हम आ गए हैं, ये न्यू चंदन रेस्टोरेंट है। और इस न्यू चंदन रेस्टोरेंट में हम लोग कुछ खाना खाना की सोच रहे हैं। और यहाँ पर देखिए आपको कबूतर देख रहे होंगे, काफ़ी ज़्यादा कबूतर है इकट्ठा, उनको खाना देते हैं यहाँ पर सब लोग। तो वहाँ पर हाँ जी यहाँ पर क्या है, अब क्या क्या खाएंगे वो देख लेते हैं हम लोग। अरे जलेबी इमरती, मक्खी भी इसका मजा ले रही है टेस्ट का। ढोकला, ब्रेड पकोड़े बनने के लिए तैयार है। बच्चे इतना प्रोग्राम देख रहे हैं। ये तो बता दो क्या क्या ऑर्डर हो गया। सबसे स्पेशल है यहाँ की दाल पकवान। नहीं नहीं दोबारा क्यों बनाएंगे, अनकट होता है हमारे सब नेचुरल। हाँ प्याज कचौड़ी, मिर्ची बड़ा, ब्रेड पकौड़ा। हाँ लस्सी मना कर दिया आपने, लस्सी मना कर दी मैंने। ओके चार स्टूडियो अपार्टमेंट्स का आपका पूरा अपार्टमेंट हो गया। अच्छा गले में टांगने के लिए, मैंने देखा तो था उसमें पीकॉक बना हुआ था, मोर वाला ले लिया। ये पीकॉक उड़ गया, वो अच्छा लग रहा था। नहीं वैसे वो कॉमन है, ये अच्छा लग रहा है, थोड़ा डिफरेंट लग रहा है। इसे कहते हैं दाल पकवान, यहाँ का फेमस है। और इसमें पता नहीं क्या क्या डाला, नींबू और डाल रहे हैं जतिन जी, पता नहीं इसके साथ एक्सपेरिमेंट ज्यादा हो रहा है। अच्छा ये दाल है मूंग की? हाँ जी खाकर बताइए, आपके एक्सपेरेशन से पता चलेगा कैसा है ये।
पर सच बताना, झूठ मत बोलना, कहीं हमारे को खिलाने के चक्कर में झूठ बोल दो। ये शक्ल से तो लग रहा अच्छा नहीं है। इन्होंने कहा हाँ ठीक है खान। हाँ जी, तो हमने यहाँ पर चाय भी पी और सब कुछ खाना वाना खाया। बिल्कुल मत आना यार, बिल्कुल ही बेकार हिसाब, घटिया था हिसाब, मजा नहीं आया बिल्कुल भी। कोई एंट्री हो रही है हमारी जैसलमेर फोर्ट में एंट्री हो रही है। अरे भैया पूरी दुनिया आ गई है, जल सब क्या विस्फोट हो गया है। तो कितने लोग आ गए भाई, बहुत ही ज्यादा लोग आ रखे हैं। और यहाँ तो शॉप भी है लेकिन बिल्कुल साफ सुथरा नहीं है यार, बहुत गंदगी है। हमारे साथ है भाई गाइड है हमारे साथ। तो बहुत ही ज्यादा ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही हम हल्के एरिया में आ गए। देखिए हर तरफ भीड़ भाड़ और गंदगी है, साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ, बिल्कुल ऐसा फील हो रहा है कि हम गंदी सी जगह आए हैं, साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। सब साफ है यार, यहाँ पर बहुत ही गंदा लगा। And some Rajput warriors, they came from Indus Valley. So nowadays this part is known as a Pakistan. So earlier they lived over there, and then due to security reasons, they diverted from that part to a part where they can see a proper view, like who is coming, is a friend or an enemy. So according to that. देखिए हीरो रुके हुए हैं यहाँ पर, राजस्थानी ड्रेस में। चलिए इन्होंने हमें अच्छा हिस्ट्री बताई इसकी, पूरी फोटो सेशन हो रहा है, कठपुतली है। हाँ जी अच्छा जी नहीं है। यहाँ पर एक स्पेशल बात यह है कि यहाँ पर लोग रहते भी हैं, उनके अपने घर हैं, लोग रहते हैं पूरे एरिया में। फोर्ट भी है लोगों का, अपना घर भी है, दुकानें भी हैं, सब फोर्ट के अंदर ही है। अभी तो फिलहाल मैं हल्का सा दिखा रहा हूँ, बाद में मैं पूरा फोर्ट का और मंदिर का वीडियो अलग से अपलोड कर दूंगा। चलिए यहाँ पर मोबाइल जमा हो गए हैं, हर मोबाइल की 50 रुपीज की टिकट है। अगर आप वीडियो फोटो क्लिक करना चाहते हैं तो हमने अपनी पेमेंट करके हम चल पड़े हैं। और ये देखिए पगड़िया अपना बीड़ी पी रही है मैडम। ये है मेन मंदिर, जैन मंदिर। इसके साथ अपने भगवान की पूजा करना शुरू किया। सो दिस इज द मेन टेंपल ऑफ 23rd प्रोफेट व्हिच इज कॉल्ड चिंतामणि पार्श्वनाथ, 24th वाज महावीरा, जिसके बारे में आपने बुक्स में पढ़ा है, हमें पढ़ा है, जो महावीर भगवान है उनका सन जो है सिंबल है, लॉयंस सिंबल है, सन के पीछे रहता है। पहले आप दर्शन कर लीजिए, फिर इसकी खासियत रिपोर्ट। हाँ जी, ये है बहुत पुरानी दुकान, यहाँ की मेन जैसलमेर की मिठाई की दुकान। और यहाँ पर है गाजर का हलवा। भैया जलेबी गरम है? हाँ जी बताइए बेटा कैसी लगी? ये दोबारा लिया है इसने या पहले नहीं खाई थी? यहाँ पर जो है काल कल्चर नहीं चलता, और ये सबको ऐसे बुलाते हैं अपनी अपनी कम्युनिटी को, जैसे ये कोई न्योता है। ये किस चीज का न्योता है? शादी का? अरे वाह भाई वाह, वेडिंग इनविटेशन है ये, क्या बात है भाई। अरे वाह,
6 फरवरी 2023 को शादी हो गई। क्या बात, ये आए हम किसी हवेली में और ये क्या है, सब क्लोज हो गए हैं क्योंकि अलग अलग हाउसेज हैं, पांचों हाउसेज को मिलाकर 283 बालकनीज दिख रही है ना सामने आपको झरोके, और सभी में अलग अलग डिजाइन का काम किया हुआ, छोटा बड़ा नैरो ब्रॉड जाली का काम, लीफ का काम, फ्लावर का काम। चले जाइए, अब हम मार्केट में घूमने के बाद, खाना खाने के बाद अब हम रेडी हैं गाड़ी पर जाने के लिए सैन में, जो मेनली जैसलमेर के लिए हम आते हैं। एक हमारी ये गाड़ी है और एक हमारी जीप है। अब हम मेन पर्पज जो है, दो दिन अब हम कैंप में रुकने वाले हैं, सैन पर अलग अलग काम करेंगे, बॉनफायर, तो अब सारा का सारा मजेदार काम असली में शुरू होने वाला है। तो अभी मिलते हैं सैंड पर आपके साथ, रास्ते में दिखाएंगे आपको। तो देखिए हम जा रहे हैं 1 घंटे के रास्ते में, कैमल क्या और ये भेड़ बकरी क्या, ये भेड़ बकरी को तो हमने अपनी जीप में बिठा लिया, क्यों जी, और ये बीपी में हमें उछाल रहे हैं। बेटा छुप जा, जैसे अभी छुपा था ठंड लग रही है, बेटा कर ले, अब ये छुप जाएगा, देखो निंजा टेक्निक से गायब हो गया, ये आगे भी गायब हो गई लड़के की। तो ये देखिए दोनों तरफ हमारा रेत ही रेत है, क्या बढ़िया रास्ता है। और हम हैं इस समय कहाँ पर, जीप में, ठीक है। कितना बढ़िया सीन है, कितना बढ़िया नजारा है, रेत ही रेत है। ये देखिए हम आ गए अपने कैंप की तरफ, आपको देख रहे होंगे यहाँ पर, ये जो कैंप है यहाँ पर हमें जाना है। गए हम कैंप की तरफ, देखिए यहाँ पर कैंप है और चारों तरफ रेत ही रेत है, जैसे चौकी धानी होता है अलग होता है, ये कैंप रहते हैं यहाँ पर लग्जरी कैंप। ये देखिए नीचे सैंड है, रेत ही रेत है। ये है हमारे टेंट हाउस, अब देखना पड़ेगा कौन से टेंट हाउस कहाँ मिले हैं। ये हमारे आगे हीरो,
ये है रिसेप्शन और यहाँ पर हमें शाम को यहाँ प्रोग्राम होगा जिस हिसाब से यहाँ पर जगह देखिए बिल्कुल यहाँ पर सारा प्रोग्राम बना रखा है इन्होंने पूरा खाने पीने का है माइक वगैरह है ये बैठने के मोड़े वगैरह लगे हुए हैं तो माहौल बनेगा यहाँ पूरा बढ़िया तरीके से लग्जरी हमारे पास सारे टेंट है तो इसमें हमें अच्छे से मजा आने वाला मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा इसमें आप बिल्कुल देखते रहेंगे साथ साथ मजा आएगा हमें। अब मैं आपको दिखा रहा हूँ हमारा टेंट कैसा है यहाँ पर अभी हम एंट्री कर रहे हैं ये स्विस टेंट है ये कह रहे हैं कि स्विस टेंट है और इसके अंदर बिल्कुल भी हवा नहीं आएगी और ये पीछे पूरा जंगल ही है देख सकते हैं ये है हमारा टेंट और यहाँ पर हमारे को जो है एक बेड मिला देख सकते हैं छोटा सा बेड है एक एक्स्ट्रा बेड के लिए पीछे है और फैन है वैसे फैन की तो जरूरत नहीं पड़ेगी ठंडा है काफ़ी और एक दो चेयर है तो बेसिक सा है कोई ऐसा बहुत हाईफाई नहीं है देखने में लेकिन काफ़ी अच्छा लग रहा है सामान रखने के लिए भी जगह है और टॉयलेट कहाँ से है मेरे ख्याल से यहाँ से टॉयलेट होगा हाँ टॉयलेट है आइए टॉयलेट तो काफ़ी अच्छा खासा है अगर आप देखेंगे तो काफ़ी बड़ा टॉयलेट है और इसमें गीज़र भी लगा हुआ है हायर का है तो अच्छी कंपनी का ही है टॉयलेट है मतलब काफ़ी स्पेशियस है तो मतलब एक लग्जरी फीलिंग तो टॉयलेट को देखकर आ रही है कि एक लग्जरी फीलिंग है क्योंकि बहुत ही अच्छा टॉयलेट है रूम से ज़्यादा अच्छा तो टॉयलेट लग रहा है ना इतना बढ़िया लेकिन रूम भी अच्छा है बहुत ही बढ़िया लग रहा है तो ये तो है अंदर का हिसाब कि हमें क्या लग रहा है और यहाँ से जो टेंट है इसमें बीच में यहाँ जाली वाला है मच्छर ना है और यहाँ से देखिए क्या व्यू आ रहा है सनसेट होने वाला है सनसेट का व्यू देखिए कितना प्यारा व्यू आ रहा है थोड़ा बहुत हमारे बारे में बता देते हम मंगनियार कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं और हमारा 7 जनरेशन से म्यूजिक का ही काम है हम म्यूजिक गांव में भी गाते हैं बाहर देशों में भी गाते हैं और खमांगने प्यारी से जैसलमेर वालों की जान चली जाए साथ हो जो लग के साथ हो जाए क्या बात
अब इसके लिए कहाँ पर पड़ेगा ये मछलिया सारी रात में जागे तेरे पीछे पीछे मेरी नींद से भागी हो मेरी नींद से भागी मेरा चैन भी मेरा तेरे साथी मैं तेरे साथी चलक चलक Thank you.